बिसाइड्स नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स लाइक द फॉसल फ्यूल वी वॉक कोल ऑयल एंड गैस उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम समझें समझेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे तो उसका फिर न, वो क्या है हल क्या है उसका द ओनली सोल्यूशन वी हैव इज़ टू लुक फॉर नॉन फॉर रिन्यूएबल सोर्स राइट जो कि नेचुरली रिन्यू हो जाती हैं ये ऑयल जो है ख़त्म हो गया तो खत्म हो गया है ना आप देखते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ये रीन्यू हो जाती हैं ये वहाँ पर तेल बचा नहीं है तो वो जब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे गाड़ी कैसे चलाएंगे या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कैसे आएंगे गाड़ी चला के तो ये सब चीज़ों के लिए फिर हमें ऐसे फ्यूल की ज़रूरत है जो कि नेचुरली रि रिन्यू होता रहे रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़े जो एनर्जी है रिन्यूएबल की वो सूरज राइट ऑलमोस्ट एवरी रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी रिन्यूएबल एनर्जी इज समहाटेड विद सन राइट फॉर एग्जाम्पल फोटोवोल्टेक्स सोलर सेल्स दे डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी और जो है विंड एनर्जी विंड एनर्जी का सोलर से क्या ताल्लुक है अब वो जो वो हमें पढ़ वो हम पढ़ेंगे जो अब थोड़ा सा फिज़िक्स उसमें देखेंगे कि हीट कैपेसिटी जो है जो कुछ चीज़ें जो सूरज पड़ती हैं तो कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कुछ चीज़ें कम गर्म होती हैं तो फिर हवा चलनी शुरू हो जाती है राइट वो हवा से फिर विंड एनर्जी टरबाइन चलते हैं उस टरबाइन से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये सब चीज़ें उसके अंदर सोलर एनर्जी में आते हैं फिर बायोमास कितनी बड़ी चीज़ है ना बायोमैस का आजकल हर जगह चर्चा हुआ हुआ है बायोमैस कहाँ से आता है अगर सूरज नहीं होगा तो दरख्त नहीं उगेंगे गएंगे या दरख्त नहीं होगा तो बायोमैस नहीं होगा तो उसका भी सिलसिला जो है वो सोलर एनर्जी से कनेक्टेड है तो हम सोलर एनर्जी को बड़े सुकून से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आज से दस साल पहले की बात थी कि हम मैं किसी से बात करता था सोलर सेल की वो कहता था जब आपका दस सेंट एक किलो आवर पर आ जाता है ना जब आके बात करें उस वक्त वहाँ पर एक डॉलर का किलो आवर होता था है तो अब वो अब क्या है अब दो सेंट का पर किलो वाट आवर है तो लेकिन अब तो इसका मतलब यह कि जो कॉस्ट है सोलर एनर्जी की फोटोवोल्टेक्स की पेट सोलर सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके या बराबर है या उससे भी कम है तो फिर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी भी कुछ वजूहत हैं उनको हम देखेंगे कि क्या वजह है कि ये बॉटल नैक है सोलर इंडस्ट्री के अंदर क्या इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि जिसके जिसकी वजह से हम सोलर एनर्जी को मुकम्मल तौर से नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसके लिए समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट होता है लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल सी ओ ई तो उसको अगर कोल की एनर्जी को सोलर एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो बात वो गधा और घोड़े की बात हो जाएगी कि उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा नॉर्मल तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से ये नया तरीका एल सी ओ लेवलाइज कॉस्ट ऑफ़ एनर्जी निकाला है उसको हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी कंपेरेटिव कॉस्ट क्रिएट की जाती है मसला ये सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है पहले तो ऑब्जेक्शन ये था कि जी वो बहुत कीमती है सोलर एनर्जी उसके बाद ये हुआ कि वो कह लगेगा के जी वो तो कॉन्स्टेंटली नहीं है सो अगर सूरज चला गया तो इसका मतलब बिजली बंद हो गया आप मजे से पी का दे, गेम देख रहे हैं और पता चला बादल आ गए तो इसका मतलब आप गेम नहीं देख सकते क्योंकि वो सोलर एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो उसका क्या हाल है उसके भी बहुत सारे हाल हैं बहुत आम सी चीज़ है लेकिन उससे यकीन कॉस्ट पर जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था ना वो उससे बढ़ जाता है विंड एनर्जी क्या भी यही है कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती है? तो इसका मतलब जब हवा नहीं चल रही तो क्या करेंगे तो उसके लिए को भी कोई नतीजा होना चाहिए ना तो उसका एक हल ये है कि दो तीन कस्म की एनर्जीज को कंबाइन करके रखें सोलर और विंड को कंबाइन करें या फिर इन सब को फिर बैटरी से मिलाएं कि दिन में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी जो स्टोर करें बैटरी में और फिर रात को इस्तेमाल करें लेकिन वो तरीक़ा है ज़रूर लेकिन उससे फिर कॉस्ट पे भी ज़रा अफेक्ट पड़ जाता है तो वो हम देखेंगे सारी चीज़ें कि क्या, क्या क्या चीज़ें हैं कि उसका वर आर दोज अफेक्ट्स दैट दैट मेक्स द कास्ट ऑफ सोलर एनर्जी इधर सम टाइम नॉन अफोर्डेबल एंड सम टाइम अफोर्डेबल सो वी विल लुक इन टू दैट आजकल जो सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स रीन्यूएल एनर्जी सोर्स जो ग्रो हो रही है वो विंड एनर्जी है अब विंड एनर्जी में यह है कि इतने बड़े बड़े विंड टर्बाइन इतने बड़े बड़े टर्बाइन यानी आपके समझ लें कि तकरीबन छः छः सात सौ सा फीट टॉल उतने विंड टर्बाइन और एक लगाएं तो आपका जो है ना पूरा कम से कम अगर लाहौर नहीं तो फैसलाबाद यकीन रोशन हो जाएगा तो उसमें आजकल काफ़ी काम हो रहा है तो उसकी भी बस ये प्रॉब्लम यही है कि वो आ, कभी अगर नहीं हुई विंड तो क्या करेंगे तो उसके लिए फिर सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ऐसे करें कि एक विंड टर्बाइन लगाएं बड़ा वाला और उसके साथ एक छोटा सा कोल का पावर प्लांट लगा दें तो जब विंड ख़त्म हुई तो कोल पावर प्लांट चला के उसको इस्तेमाल किया जाए वो एक सोलूशन है लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है उस सोलूशन से जो रीन्यूएबल एनर्जी वाला मसला है वो हल नहीं होता फसल फूल इस्तेमाल करेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड होगी वही ग्लोबल वार्मिंग होगी वही सी सी लेवल राइज होगा तो कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें हल हो सकें क्या ऐसा सोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मुमकिन है कि अगर टाइम हुआ आखिर में इस कोर्स के तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या सोल्यूशन है मेरे हिसाब से कोई एनर्जी का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है तो उसका जो सोल्यूशन है वो नॉन टेक्निकल सोल्यूशन होना चाहिए उट आर टेक्निकल सोल्यूड बी पॉसिबल आप हर चीज का सवाल किसी साइंसदान से किसी टेक्नोलॉजिस्ट से नहीं पूछ सकते हम तो बैठे हैं घर पर आप हल बताएं, तो आप हल बताएं। हर, हर सवाल का और टेक्नोलॉजिट के पास हल नहीं है तो किसकी और मदद तलब करेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तरबेला हैंगला है आप उसकी परेशानी भी आपको पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दूसरे ये कि वो जो है सिल्क जमा हो जाता है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है पानी नहीं होता तो फिर मसला हो जाता है तो वो सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सारे प्रॉब्लम है तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल आसानी से इससे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जस्ट लाइक like ए बैटरी जब भी ज़रूरत हो आप उससे उसका स्विच ऑन करें आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उस शर्त पे कि पानी हो पीछे अगर पानी नहीं हुआ तो कुछ नहीं और उसके अलावा भी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रीन्योएबल एनर्जी है जैसे ये ओशन की जो वेव होती हैं उनसे भी एनर्जी डेवलप की जा सकती है जियोथर्मल एनर्जी तो बहुत बड़ी चीज़ आइसलैंड एक पूरा मुल्क है जो सिर्फ़ जियोथर्मल एनर्जी पर चलता है तो वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ऑल ऑफ दो थिंग्स बट दीज आर माइनर थिंग्स दे आर वेरी जियोग्राफिकली कंस्ट्रेंड और किसी किसी जगह चल सकती हैं बाकी जगह नहीं चल सकती और आखिर में बायो आज से दस साल पहले इतनी बड़ी ख़बर हुई थी कि भई बायोमैस सारी चीज़ें का चीज़ों का हल हो जाएगा वो पता ये चला कि बायोमैस इतना चाहिए होगा कि उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या किस जगह ये इस्तेमाल हो सकता है हर चीज़ का इस्तेमाल है यकीन लेकिन कुछ छोटी जगहों पर कुछ एक खास जगहों के ऊपर लेकिन हर जगह नहीं इस्तेमाल की जा सकती तो हम उसमें भी देखेंगे कि क्या कंस्टेंट है अभी इस वक्त अगर बायोमैस से डीज़ल बनाए ना उसकी डीज़ल की कॉस्ट होगी सौ डॉलर फी गैलन सौ डॉलर फी गैलन सौ तो डॉलर फी शायद अमेरिका अफोर्ड कर सके लेकिन पाकिस्तान तो नहीं अफोर्ड कर सकता तो इसका मतलब ये सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए सही नहीं है